नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिंडिकेट की बैठक में पारित हुआ वार्षिक प्रतिवेदन, नीतिगत निर्णय में राजभवन की लेनी होगी अनुमति। प्रभारी कुलपति को हटाए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने जमकर किया हंगामा, अभिषद की बैठक का किया विरोध। फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच भी चाकूबाजी, एक की हालत गंभीर। सुल्तानगंज में बदमाशों ने हथियार के बल पर शिक्षिका से लूटे रुपए, स्कूल जाने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। और सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत एसएसपी के नेतृत्व में रेल यात्री संघ ने बांटे हेलमेट, यातायात नियमों का पालन करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में शुक्रवार को सिंडिकेट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने की। सिंडिकेट में मुख्य रूप से टीएमबीयू के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अलावा 46वें दीक्षांत समारोह को लेकर चर्चा की गई। वही सिंडिकेट सदस्यों ने बजट को फाइनेंस कमेटी में रखे जाने और नीतिगत निर्णय में राजभवन की अनुमति लेने की बात कही। बैठक में संविदा कर्मी को नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टी दिए जाने एवं सेवा समायोजन के लिए सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजे जाने का मामला भी उठा। वहीं गेस्ट फैकल्टी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हटाए गए अतिथि शिक्षक को रखे जाने पर चर्चा हुई। साथ ही पूर्व में कॉपी बिक्री मामले की रिपोर्ट भी तलब की गई। वहीं सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने विश्वविद्यालय में पेंशनर एवं छात्रों की समस्या को प्रमुखता से उठाया। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, प्रॉक्टर डॉक्टर रतन मंडल, एफए पद्मकांत झा समेत कई अधिकारी और अभिषद सदस्य उपस्थित रहे। इधर टीएमबीयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि बैठक में गत अभिषद के बैठक की संपुष्टि की गई। साथ ही 20 अगस्त 2020 को आयोजित हुए अभिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु प्रतिवेदन पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि सिंडिकेट की बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। अभिषद की बैठक में आज जो बैठक चल रही है इसमें पूर्व में लिए गए निर्णय के वृत्त की पुष्टि पर विचार किया जा रहा है और विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020 पर विचार किया जाएगा। अभिषद की बैठक आहूत करने पर विचार किया जाएगा और वित्त समिति की बैठक में निर्णय जो लिए गए हैं उस निर्णय के वृत्त की पुष्टि पर विचार किया जाएगा, दीक्षांत समारोह के आयोजन पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि शुक्रवार को विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक बुलाई गई थी और इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा के नेतृत्व में सिंडिकेट की बैठक का विरोध करते हुए प्रभारी कुलपति को हटाए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं बैठक को बाधित करने के लिए दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने प्रशासनिक भवन के गेट को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कुछ ही देर में बैकफुट पर आना पड़ा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि टीएमबीयू में छात्र संगठन ने अपनी मांग के समर्थन में किस तरह प्रदर्शन किया। इधर अवाबिब के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि डॉक्टर संजय चौधरी को सिंडिकेट बैठक करने और प्रभारी कुलपति के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद ये है, पूर्व में भी हम लोगों ने आंदोलन किया। इस विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति माननीय संजय चौधरी जी जो है, मैं तो उन्हें कुलपति मानता ही नहीं,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय का कुल प्रभारी कुलपति वही बनेंगे जो उस विश्वविद्यालय के सीनियर डीन होंगे। ये ना तो सीनियर डीन है, ना इनकी कोई योग्यता है इस आधार पर कि ये कुलपति बने। ये भ्रष्टाचार के आधार पर जैसे भी हो कुलपति बने हैं। इसमें मैं राजभवन को भी दोषी मानता हूं कि ऐसे लोगों की नियुक्ति प्रभारी कुलपति के रूप में करते हैं। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले भागलपुर शहर में लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षित नहीं हैं। अपराध का कहर दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग घूमने फिरने, पार्क एवं पिकनिक स्पॉट पर जाने में खौफ खाते हैं। ताजा मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र का है, जहां सैंडिस कंपाउंड परिसर में शुक्रवार को दो गुटों के बीच फोटो खींचने को लेकर विवाद शुरू हो गया और जमकर चाकूबाजी हुई। विवाद में लोदीपुर का 18 वर्षीय प्रदीप कुमार चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि प्रदीप अपने साथी धीरज और सोनू के साथ सैंडिस कंपाउंड में बैठकर फोटो खिंचवा रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद तीन अज्ञात युवकों के साथ किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। वहीं घटना को लेकर घायल प्रदीप के साथी धीरज ने बताया कि वे सभी पार्क में घूम रहे थे और एक दूसरे की फोटो ले रहे थे। तभी अचानक नशे में धुत तीन युवक आकर उनसे फोटो खींचने की गुजारिश करने लगे। फोटो खींचने के बाद तीनों युवकों ने जबरदस्ती उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान चाकू लगने से प्रदीप घायल हो गया, जिसके बाद घायल प्रदीप को इलाज के लिए JLNMCH अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। हम लोग फोटो शूट करने के लिए सैंडिस आए थे, वही फोटो शूट कर रहे थे। वो लोग नशे में था, आया लोग बोला फोटो खींच ले। वो लोग कैमरा मांगने लगा कि हम खींचेंगे फोटो, तो वही नहीं दिए तो छीन लिया। कौन लोग था? तीन लोग था, नशा में था, पता नहीं कौन था, नाम नहीं जानते। जिले में पुलिसिंग व्यवस्था मानो ध्वस्त हो गई है। आए दिन लूट की घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस बैठकर तमाशा देखती रह जाती है। ताजा मामला भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से सामने आया है, जहां बाइक सवार चार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित सहायक शिक्षिका सरिता देवी ने थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया है। शिक्षिका ने कहा कि घर से स्कूल जाने के दौरान डॉक्टर दिवाकर क्लिनिक के समीप लुटेरों ने हथियार के बल पर उनसे 20,000 रुपए नगद, सोने की चेन, ईयर रिंग और अंगूठी लूट लिए। वहीं मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। हथियार के बल पे से चार ठो आया मोटरसाइकिल से, पीछे सामान दिखा के सब सामान छीन लिया और सब चीज ले लिया खुलवा खुलवा के। क्या क्या लिया? कान का अंगूठी, गला का और उसमें बैग, पूरा बैग में था, मोबाइल था और चश्मा था, दो पासबुक था और 20,000 रुपया भी था। सारा छीन लिया? सब सारा छीन लिया। जिला पुलिस प्रशासन और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से भागलपुर में शुक्रवार को ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए लोगों को यातायात नियम का पालन करने को लेकर जागरूक किया गया, जबकि बाइक चालकों को हेलमेट देकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई। जागरूकता अभियान में SDRF इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, RPF और GRP के अधिकारियों ने वाहन चालकों को ट्रिपल लोडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट और सेफ ड्राइविंग को लेकर जागरूक किया। वहीं SSP निताशा गुड़िया ने कहा कि सभी को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सड़क सुरक्षा कानून का पालन करने की जरूरत है। आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो जो व्यक्ति बिना हेलमेट के सड़क पे हमें मिले तो उन्हें हमने फाइन नहीं करके हम लोगों ने एक हेलमेट गिफ्ट किया है और उनको हिदायत दी है कि आइंदा से वो हेलमेट पहन के ही अपनी सुरक्षा रखते हुए सड़क पे निकलें। आम दिनों की तरह शुक्रवार को फाइन करने के बजाय बाइक चालकों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया। इसके अलावा केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि लंबे समय से संघ द्वारा ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ RPF और GRP का अहम योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल हो या सड़क, सभी जगहों पर सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। आज भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भागलपुर यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें संस्था के द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण किया गया। और इस कार्यक्रम में SSP मैडम के द्वारा और हमारे भागलपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ साथ SDRF के कमांडर और हमारे यातायात के इंचार्ज सभी यहाँ मौजूद थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला स्कूल प्रशाल में शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में डीईओ ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी और परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए जाने को लेकर प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान प्रधानाचार्यों ने भी डीईओ के समक्ष अपनी समस्याओं और तैयारी से संबंधित बातों को रखा, जिस पर शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग के स्तर से सकारात्मक सहयोग करने की बात कही। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर तैयारी की गई है और इनमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा डीईओ ने जिले में बनाए गए 4 आदर्श परीक्षा केंद्र पर विशेष इंतजाम किए जाने और अन्य सभी परीक्षा केंद्रों पर भी पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को दिया। बता दें कि भागलपुर के सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय और शारदा झुंझुनवाला उच्च विद्यालय के अलावा नवगछिया के MAM कॉलेज और कहलगांव के BP वर्मा इंटर कॉलेज को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। एग्जामिनेशन संचालित होनी है वर्ष 2021 की, उसकी बैठक केंद्र अधीक्षकों के साथ की जा रही है। जो गाइडलाइन उपलब्ध कराए गए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उसके संदर्भ में ये आज जैसे कि ब्रीफिंग मीटिंग थी। इसके बाद ऐसे कि हमारी मीटिंग जो होगी केंद्र अधीक्षक और ऐसे कि मजिस्ट्रेट की, वो DM साहब के स्तर से ऐसे कि होगी, जिसमें इन्हीं सब चीज़ों पर पुनः चर्चा की जाएगी। कोविड-19 की महामारी से जहां पूरी दुनिया में लोगों के बीच दहशत का माहौल है, वहीं अब वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के प्रयास से बनाए गए कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भी कुछ लोगों में भ्रांतियां फैल गई हैं। सरकार और विशेषज्ञों के लाख समझाने और जागरूक करने के बावजूद हेल्थ केयर स्टाफ वैक्सीन लेने के प्रति उदासीन दिखाई दे रहे हैं। वहीं भागलपुर में कोविड वैक्सीन के प्रभाव को लेकर शहर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी ने कहा कि उनके साथ उनकी टीम के सभी सदस्यों ने वैक्सीन ली है और सभी पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और विशेषज्ञों के द्वारा परखी जा चुकी है, इसीलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन लेकर अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। मैं डॉक्टर अर्चना झा, मैं भागलपुर में कार्यरत हूँ। पिछले 25 सालों से मेरा तिलकमान जी में क्लिनिक है। जैसा कि बराबर आप लोग टीवी में या पेपर में या फिर नेताओं द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा हमेशा बोला जाता है कि आप एक दूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और आवश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, भीड़ में नहीं जाएं, ये तो सावधानी हमें अभी भी रखनी है। टीका तो आप लोग बचपन से ही देखते हैं, नवजात शिशु को टीका पड़ता है, पोलियो का टीका पड़ता है, हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ता है। तो नवजात शिशु को जब टीका दिया जाता है तो किसी किसी बच्चे को बुखार आता है या थोड़ा चिड़चिड़ा बच्चा रहता है उस दिन, लेकिन चूंकि उसके प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए ये टीका जरूरी है तो हम लोग बच्चे को देते हैं। उसी तरह से हमें भी कोई दिक्कत हो सकती है, हल्का बुखार होना या थोड़ा कमजोरी लगना, ये सब माइनर बातें हैं, जरूरी नहीं कि सबको लगेगा। जैसा मैं बता रही हूँ, हम लोग 15 लोगों में से किसी को भी ये कोई भी सिम्टम नहीं आया। उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप जरूर टीका लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शुक्रवार को स्कूली बच्चों के बीच स्कूल बैग और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बैंक के DGM संजय कुमार, RM प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारियों ने राजकीय बालिका इंटर स्तरीय स्कूल की छात्राओं को स्कूल बैग, स्वेटर और पाठ्य सामग्री दिया। DGM ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यह कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जरूरतमंद छात्र छात्राओं की सहयोग करने की जरूरत है, जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा SBI की ओर से देश भर के स्कूलों में गरीब मेधावी छात्रों को मदद पहुंचाने की बात अधिकारियों ने कही।
मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल समेत कई शिक्षक शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद थीं। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से बच्चों के लिए एक प्रयास है कि उनको स्कूल जो आते हैं उनको स्कूल बैग दिया जाए, स्वेटर दिया जाए, ताकि परिवार पर कम बोझ पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ, जो आज गवर्नमेंट का भी एक पॉलिसी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इन्होंने हमारे स्कूल को ही चुना, मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम कोशिश करेंगे, हमारी और भी अगर कोई तरह की इच्छा होगी तो पूरी करें, यही हमारी इच्छा भी रहेगी और हमको बहुत धन्यवाद देते। नवगछिया मक्खा तकिया के शादी समारोह में डांस करने को लेकर हुए विवाद में स्थानीय लोगों ने बारातियों की जमकर धुनाई कर दी। घटना में बारात पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कटिहार निवासी लड़के का पिता मोहम्मद हाफिज, लड़के का सगा भाई शकील और लड़के का ममेरा भाई मोहम्मद शबीर शामिल है। वहीं बाराती पक्ष के लोगों ने घटना को लेकर बताया कि मक्खा तकिया के मोहम्मद मुबारक की लड़की और कटिहार निवासी मोहम्मद हाफिज के पुत्र मोहम्मद राजू की शादी थी। निकाह संपन्न होने के बाद बारात के कुछ लड़के डांस करना चाह रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बारातियों को डांस करने से यह कहकर रोक दिया कि डीजे की व्यवस्था लड़की वालों की तरफ से की गई है, इसीलिए बारात के लोग इस डीजे में नहीं नाच सकते हैं। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया और स्थानीय लोगों ने जमकर बारातियों की पिटाई कर दी। नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि मामले में किसी ने लिखित आवेदन नहीं दिया है, आवेदन मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं नहीं, इसी बात के लिए और कोई बात के लिए विवाद नहीं हुआ। थाना में आवेदन नहीं दिया है? थाना में नहीं नहीं, थाना में भी आवेदन आवेदन नहीं दिए हैं। बात सब चला गया है? नहीं, बरात सब अभी मतलब है रास्ते में है, आगे में। लड़की घर छोड़ दिए? हाँ, लड़की घर छोड़ के चले आए हम लोग सभी। नवगछिया अनुमंडल के टोटो चालकों ने अनुमंडल परिसर में धरना देकर बाजार में लागू नो एंट्री कानून में बदलाव करने और टोटो को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की। धरना का नेतृत्व रंगरा प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव और आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने किया। इस दौरान राजेंद्र यादव ने कहा कि टोटो चालक पलायन की स्थिति में आ गए हैं, बाजार में प्रवेश बंद हो जाने के कारण इन लोगों को रोजाना 100 से भी कम कमाई हो रही है, जबकि बाजार में जाम का मुख्य कारण अतिक्रमण है। वहीं प्रखंड प्रमुख मोती यादव ने कहा कि टोटो चालकों को बाजार में हर हालत में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि जाम का कारण अतिक्रमण है। साथ ही टोटो चालकों ने पुलिस प्रशासन व नगर पंचायत पर बेवजह तंग करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रिक्शा चालकों को लाइसेंस देने के लिए नवगछिया में शिविर का आयोजन कराया जाए और उन्हें पहले की तरह बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। यही है फिर कि हम लोग को मार्केट जाया जाए, दिया जाए। मार्केट हम लोग को नहीं घुसने दिया जाता है, हम लोग का कमाई नहीं हो रहा है, हम लोग के रोजी रोटी पे जिंदगी पे सवाल हो रहा है। अनुमंडल कार्यालय हमारे ई रिक्शा वाले जो हैं, इन लोगों का नवगछिया बाजार प्रवेश 1 जनवरी से बंद कर दिया गया है अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, जिसके अगेंस्ट में ये लोग पहले भी मिले थे प्रशासन से, और बाजार में भी व्यवसायी और पुलिस प्रशासन की बैठक हुई थी, उसमें भी मांग की गई थी कि रिक्शा के कारण जाम नहीं लगता है बाजार में। किसी को डिलीवरी होता है, कोई परिस्थिति होती है, कोई ट्रेन से उतरते हैं, कोई मान लिया जाए महिला कॉलेज छात्रा जा रही है, जीबी कॉलेज या कहीं भी अस्पताल जाना चाहते हैं, तो रास्ते में उसको उतर कर सवारी बदलना पड़ता है। मुंगेर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस द्वारा की गई छात्र अनुराग पोद्दार की निर्मम हत्या के परिणाम स्वरूप उग्र आंदोलन से मुंगेर दहल उठा था। तब चुनाव आयोग ने मुंगेर के DM राजेश मीना और SP लिपि सिंह के स्थानांतरण और 4 थानों के थानेदारों को निलंबित कर स्थिति को काबू में किया था। उसी को लेकर मृतक के माता पिता को मुंगेर विधानसभा के पूर्व RJD प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर मिलवाया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने सरकार और पुलिस पर बेटे की हत्या के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के बदले मामला को रफा दफा करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि बेटे की हत्या मामले में उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। वहीं तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए मुंगेर SP को तुरंत फोन कर लंबित केस में प्रगति लाने को कहा और अगले विधानसभा सत्र में मामला उठाने का भी आश्वासन दिया है। मौके पर राजद नेता शिशिर कुमार लालू भी उपस्थित थे। अनुराग को परिजन आए हुए थे हमारे पास, पहले तो शायद मनु महाराज शायद वो कमेटी बनी थी तो अपना इन्वेस्टिगेट करते थे,
यहाँ लोग आए हुए हैं तो उन लोगों के साथ तो थोड़ा अन्याय हो रहा है। आप शायद अभी आए हैं तो आप देखिए आप आपकी तरह है निष्पक्ष होकर के थोड़ा कार्रवाई कर रही है। ठीक, एक बार मिल भी लीजिए इन लोगों से। हाँ, इनके बाबू जी का नाम है अमरनाथ जी, मिल रहे हैं। मुंगेर में गुरुवार की रात संग्रामपुर थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार, एएसआई भगवान राम एवं पुलिस बल द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान चंदपुर चौक के समीप तारापुर की ओर से आ रही अपाची मोटरसाइकिल को रोका गया और संदेह होने पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से 7.65 mm की एक देसी पिस्टौल एवं 2 मैगजीन बरामद की गई। मामले को लेकर थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि बाइक चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बाइक चालक से पूछताछ कर रही है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंडिकेट की बैठक में पारित हुआ वार्षिक प्रतिवेदन, नीतिगत निर्णय में राजभवन की लेनी होगी अनुमति। प्रभारी कुलपति को हटाए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने जमकर किया हंगामा, अभिषद की बैठक का किया विरोध। फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच भी चाकूबाजी, एक की हालत गंभीर। सुल्तानगंज में बदमाशों ने हथियार के बल पर शिक्षिका से लूटे रुपए, स्कूल जाने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। और सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत एसएसपी के नेतृत्व में रेल यात्री संघ ने बांटे हेलमेट, यातायात नियमों का पालन करने की अपील। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।